मेरे अति प्रियो, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं? जरूर कहते मैं ठीक हूँ, लेकिन मने मन बहुत ही आपके अंदर डर है। इस डर में बहुत प्रकार का डर है। भविष्य के बारे में आपके अंदर डर है, और जो है मनुष्यों के बारे में आपका डर है, अशुद्ध आत्मा के बारे में आपका डर। ऐसे हो जाएगा, बहुत डर पाया जाता है। उसमें एक डर इस प्रकार है, सबके सामने मैं लज्जित हो जाऊंगा, ऐसा डर है। परमेश्वर क्या कहता है ऐसा 56:4 में, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर न टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगे, कभी लज्जित नहीं होंगे। ऐसे लगता मैं लज्जित हो जाऊंगा, मेरे काम, मेरे पढ़ाई, सारी बातों को देखे मुझे लगता मैं सबके सामने लज्जित हो जाऊंगा। उनका साथ चलना है, महिमा करना, मैं गवाही को दे दिया, लेकिन ऐसे परिस्थिति लगता है मैं सबके सामने लज्जित हो जाऊंगा। आपको लगता है मन में घबराहट है, लज्जित हो जाऊंगा, लेकिन प्रभु कहता है तुम कभी भी लज्जित नहीं होंगे। जी हाँ, उस लज्जा के बदले में परमेश्वर कहता है दोगुना आशीष को आपको देगा। परमेश्वर कभी भी लज्जित होने नहीं देंगे। लेकिन इस परिस्थिति में आप चलते हैं, जिस मार्ग में लगता है आप लज्जित हो जाएंगे। मेरे जीवन में ऐसे कठिन परिस्थितियां आया था, मुझे लगा था अभी सबके सामने लज्जित मैं हो जाऊंगा, लेकिन अंत में आप विजय को प्राप्त करेंगे। आप जो है अंत में दोगुना आशीष को देखेंगे। आप जैसे सोचते हैं वैसे कभी नहीं होगा, इसलिए परमेश्वर कहता है घबराओ मत, वो साथ में, इसलिए कभी भी हम लज्जित नहीं होंगे। मेरे सेवकाय के शुरुआत में मुझसे लोगों ने कहा, जी हाँ, ये मोहन सिलासर का सेवा खत्म हो गया है, परमेश्वर की वादा तो किया था लेकिन पूरा नहीं, वो खत्म हो जाएगा। उसका ये कारण था, मेरे चारों तरफ में बहुत विरोधियां खड़े हो गए। मुझे लगा था इसके सामने मैं हार जाऊंगा या लज्जित मैं हो जाऊंगा। सेवकाय में इतना विरोध आया, इसलिए मेरे अंदर घबराहट आया, लेकिन प्रभु ने कहा घबराओ मत, इस प्रकार का परीक्षा आएगा, तुम घबराओ मत, कभी भी तुम्हें मैं लज्जित होने नहीं दूंगा। जी हाँ, परमेश्वर उसी जगह में मुझे खड़ा किया, सबके सामने मुझे खड़ा किया। आपसे कहता है मेरा बेटा, मेरा बेटी, तुम जो कभी भी घबराना नहीं। तो परमेश्वर का वचन में कितना आनंद है ना। नया कार्य के लिए उसने वादा किया था ना, आपके लज्जा के बदले में परमेश्वर नए कार्य को देके दोगुना आशीष को देगा। विश्वास करते हैं तब परमेश्वर को स्तुति करना, प्रभु तेरे वचन के लिए धन्यवाद, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तू मुझे कभी घबराने नहीं देगा, मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे साथ रहता है, यीशु के नाम में आमीन आमीन।